Let's improve English. आज अचानक बिना बुलाए कैसे आना हुआ? इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश और इसी तरीके के कुछ और यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो इसे हम कह सकते हैं, हाउ कम यू शोन अप अनइनवाइटेड टुडे। शो अप का मीनिंग होता है टू अराइव, टू रीच समवेयर। हाउ कम यू शोन अप, हाउ कम मैंने यहाँ पे यूज किया ये कहने के लिए, अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया। जब हम थोड़े से सरप्राइज्ड होते हैं ना कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब हम हाउ कम बोलते हैं। अचानक से आज, हाउ कम, हाउ कम यू शोन अप अनइनवाइटेड टुडे। अनइनवाइटेड थे, बिना बुलाए कैसे आना हुआ आज। तुमने तो एक तीर से दो निशाने मार दिए, तुमने तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए, इस तरीके से कहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सच में तीर चलाया जा रहा है, बल्कि इसके कहने का मतलब है एक ही बार में दो काम कर दिए। कह सकते हैं यू किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो इंग्लिश में इस बात को कहने के लिए ये फ्रेज होता है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यू किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इतना मारूंगा कि याद रखेगा। किसी से गुस्से में, कोई कभी कभी बहुत गुस्से में हो जाता है तो वो बोलता है ऐसे, इतना मारूंगा कि याद रखेगा। इसे कह सकते हैं आई विल बीट यू अप सो बैडली दैट यू विल नेवर फॉरगेट। I will beat you up so badly that you will never forget. कभी भूलेगा नहीं, याद रखेगा हमेशा। एक दिन तुम मुझसे मदद की भीख मांगोगे। You will beg for my help one day. You will beg for my help one day. इस तरीके से हम कह सकते हैं उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कह सकते हैं His presence or absence doesn't matter. His presence or absence doesn't matter to me. मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो हम एट ऑल लगा सकते हैं। His presence or absence doesn't matter to me at all. मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं दिखती। तो कोई किसी की प्रशंसा करते वक्त ऐसा कह रहा है आई डोंट सी एनी फ्लॉ इन हिम। आई डोंट सी एनी फ्लॉ इन हिम, या हम कह सकते हैं आई कांट सी एनी फ्लॉ इन हिम। मुझे दिखती नहीं है, मैं देख ही नहीं पाता, मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती उसमें। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जलन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जो जलते हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। कहेंगे जेलसी इज योर बिगेस्ट फ्लॉ। जेलसी इज योर बिगेस्ट फ्लॉ। उसके गायब होने का क्या चक्कर है, उसके यहाँ ना पहुँचने का क्या चक्कर है, उसके गुम हो जाने का क्या चक्कर है। ऐसे हम काफी बार बोलते हैं कि इसका क्या चक्कर है यार। तो इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं वॉट इज द मिस्ट्री ऑफ हिज डिसअपियरिंग। What is the mystery of? What is the mystery of something? यानी किसी चीज की क्या वजह है, क्या रहस्य है, क्या चक्कर है, कहने का मतलब ये है। What is the mystery of his disappearing? वैसे ही उसके यहाँ ना पहुँचने का क्या चक्कर है, उसे तो पहुँचना चाहिए था। What is the mystery of her not reaching here? What is the mystery of her not reaching here? उसके गुम हो जाने का क्या चक्कर है। What is the mystery of her being lost? What is the mystery of her being lost? अभी ये देखना बाकी है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन दुश्मन। ये देखना बाकी है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब ये देखना बाकी है कि वो मेरी मदद करेगी या नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कह सकते हैं It still remains to be seen who is my friend and who is my enemy. कौन दोस्त है, कौन एनिमी है। ये देखना बाकी है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। It remains to be seen who will win and who will lose. Who will win and who will lose. अब ये देखना बाकी है कि वो मेरी मदद करेगी या नहीं। It remains to be seen whether she will help me or not. यहाँ से or not को आप avoid भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं It remains to be seen whether she will help me. आपके दुख को देखते हुए मैंने आपको वो पैसे उधार दिए थे। आपके दुख को देखते हुए दिए थे उधार। अक्सर ऐसा ही होता है, उधार तो दे दिए दुख को देखते हुए, अब वो इतना खुश है कि वो अब देना ही भूल गया है वापस। आई लेंट यू द मनी सीइंग योर डिस्ट्रेस। आई लेंट यू द मनी सीइंग योर डिस्ट्रेस, आपके डिस्ट्रेस को देखते हुए। सीइंग योर डिस्ट्रेस आई लेंट यू द मनी, वैसे ही आपकी हालत को देखते हुए
मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सीइंग योर कंडीशन, सीइंग योर कंडीशन, आई एम रेडी टू कम विद यू, आई एम रेडी टू कम विद यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।